السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم محترم حضرات آپ کی مسجد کے خطیب و امام مولانا ولی محمد صاحب قبلہ فاضل دار العلوم نور محمدی محمد شاہ باپو کی واڑی بھاؤ نگر عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں گے. انہی کے اعزاز میں آج کا یہ اجلاس, یہ اجلاس نہیں ہے, یہ صرف ایک جلسہ نہیں ہے, یہ اجلاس اور جلسے کی شکل میں آپ کی عقیدت و محبت کا نذرانہ ہے. مجھ سے پیشتر سابق خطیب و امام جامع مسجد حضرت علامہ مولانا الحاج قاری عبد القادر صاحب قبلہ, صحیح معنوں میں استاذ القراء وہی ہے. میرا اور ان کا مادر علم ایک ہی ہے, اور میں نے بھی وہ عظیم ہستی کہ جن کے صدقے سے آج پورے گجرات میں سنیت کا لہلہاتا ہوا چمن جو ہم اور آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, حضور استاذ العلماء فخر گجرات مجاہد سوراشٹر حضور غلام غوث علوی الحاشمی صدر المدرسین دار المسکینیہ دھورہ جی, ان کی جھوتیاں میں نے بھی اٹھائی ہے, انہوں نے بھی اٹھائی ہے, اور انہی کا فیضان ہے. حضرات, دیہات کا ماحول ہوتا ہے جلدی انسان اٹھتا ہے جلدی سوتا ہے, تو پہلے آپ مجھے کلیئر کر دیں کہ کب تک آپ بیٹھیں گے, اس حساب سے ہم خاکہ تیار کریں اور آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کریں. آپ بولیے کتنی دیر تک میں بولوں. بھائی صاحب آپ بولتے ہو نا صبح تک, ہم تو چلے جائیں گے تقریر کر کے, صبح میں آپ کا نمبر آ جائے گا, آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑیں گی نہیں, سمجھ لیجیے آپ. તમને શું જરૂર હતી એટલે હવાર સુધી બોલવાની, કોણે કીધું તમને, સમજ લો આપ. ખેર જમનન બાતી થી મેં પેશ કરી દી, ઓર હમદર્દ કૌમ મિલ્લત અલહાજ હમ સબો કે અજીઝ હૈ, યકીનન અજીઝ હૈ. અબ્દુર રઉફ ભાઈ ક્લાસિક
वलमा सादात के खैर ख्वां, उन्हीं की काविशों से आपके खतीब व इमाम साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सावरकुंडला से आए हुए नाथख्वां मोहम्मद मोहसिन रजा से अपने नाते मुस्तफ़ा सुनी कारी अब्दुल कादिर साहब और हमारे शागिर्द मौलाना मंजूर साहब से भी और मौलाना जाबिर का अपने ऐलान सुना। मौलाना वली मुस्त साहब ने जोरदार पहले तकरीर कर दी, मोहब्बत से आपको डांटा, घर में बैठे हो बाहर आओ, क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, ये उनका हक है, आपके इमाम है। इमाम की डेफिनेशन यही है कि सिर्फ वो इमाम पांच वक्त की नमाज का नहीं होता, इमाम उस वक्त भी इमाम होता है जब आप घर के अंदर होते हैं, इमाम उस वक्त भी इमाम होता है जब आप तिजारत में होते हैं, इमाम उस वक्त भी इमाम होता है जब आप नौकरी करते हैं, इमाम उस वक्त भी इमाम होता है कहीं भी आप जाओ। अपने इमाम को आप याद रखोगे, आप नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, आपका इमाम नमाज पढ़ के दुआओं में अपने मुक्तदी के लिए खैर ख्वाह की दुआ करता रहता है। हजरत कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा की पहाड़ी, दो पहाड़ पहाड़ियां है ना, बहुत से लोग गए होंगे यहां से, वो अल्लाह ताला की निशानियों में से, इसकी हकीकत क्या है और उमरा का फायदा क्या है। रमजान का उमरा तो मालूम है सबको, सरकार ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक में उमरा किया गोया कि उसने मेरे साथ हज किया। लेकिन उमरा की भी फजीलत है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो उमरा करेगा मैदान हशर में वो अपने खानदान के लोगों की बख्शीश फरमाए। उमरा और ये वो मुकद्दस दरबार हजरे अस्वद बोलते हैं ना, हजर का मतलब क्या, संगे अस्वद बोलते हैं मतलब क्या, हजर पत्थर को अरबी में बोलते हैं, ठीक है, संग फारसी में पत्थर को बोलते हैं, अस्वद अरबी लैंग्वेज का लफ्ज है काला, पहले वो सब पत्थर काला नहीं था सफेद था। हजरे अस्वद जो पत्थर है खाने काबा में जो नसब है, पहले वो सफेद था काला नहीं था, लेकिन जो हज करने जाते हैं उमरा करने जाते हैं और वहां से गुजरते हैं तवाफ करते हैं ना, उमरा में दो ही चीजें हैं, खाने काबा का तवाफ करो, सफा मरवा की सही करो, आपका उमरा हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि अहमदाबाद से लोग एहराम के साथ ही जाते हैं, जा करके उमरा कर लेते हैं। मौलाना इसहाक साहब हमारे दो मरतबा जा चुके, एक अकेले गए, फैमिली के साथ गए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कारी अब्दुल कादिर साहब हज भी कर चुके हैं, उमरा भी शायद कर चुके हैं ना। मौलाना जाबिर साहब दो मरतबा उमरा कर चुके माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कारी मंजूर अपनी वालदा को लेकर उमरा कर चुके, वालदा को लेकर, अब देखिए वालदा का लफ्ज आया, एक शख्स यार ये पानी वगैरह के लिए भाई साहब जरा बंद कर दो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुने आप, देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बारगाह में एक शख्स आया कि हुजूर मेरी वालदा कमजोर लागर चलने फिरने की ताकत नहीं रखती, मैंने अपनी माँ को कंधे में उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, सफा मरवा की सैर कराई, मैना में ले गया, मुजदलफा में ले गया, अरफात में ले गया, हज के तमाम अरकान अदा किए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया
माँ के हक की बात करते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो दर से झटके लगे, झटके वो तो माँ ही बता सकती है ना कि उसको कितनी तकलीफ होती है जब पैदा करती है बच्चा। और ये अल्लाह का फजल है, मेरे आका का सदका है, औरत को वो ताकत दी है कि बच्चे को पैदा कर सकती है। और इस्लामी वो ऐसा मजहब हो, पाक को साफ मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी है, चाहे वो औरत दादी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बहू की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, मजहब इस्लाम ने बेटियों को, बहू को, माँ को, दादी को, बीवी को, सबको इज्जत अता फरमाई है। मैं आपको बताऊं, आदमी हज करने के लिए जाता है, तसव्वुर करो आज हम यहां बैठे हैं, अल्लाह फजल फरमा दे, आका का सदका मिल जाए। आदमी अगर ये समझता है कि दौलत मेरे पास आ जाए तो मैं खाने काबा का तवाफ कर लूं, दौलत मेरे पास आ जाए मेरे आका का गुंबद खजरा देख लूं, सुनहरी जाली देख लूं, जन्नतुल मोल्ला को देख लूं, जन्नतुल बकरी को देख लूं, गारे हिरा को देख लूं, गारे सौर को देख लूं, सफा मरवा को देख लूं, मकामे इब्राहिम को देख लूं, खाने काबा को देख लूं, मेरे आका की बारगाह में हाजिरी दे लूं, नहीं हो सकता जब तक मेरे आका का इशारा ना हो तब तक नहीं जा सकता। और ये हवा में फायरिंग नहीं है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आगे जाओ, एक कुतियाना गांव है, कुतियाना, बहुत साल पहले का वाकया। उसके अंदर एक खूबी थी, खूबी क्या थी, वो संग तराश था, पत्थरों को तराश करके डिजाइन बनाता, गरीब आदमी था। लेकिन उसके अंदर दूसरी खूबी ये थी कि रोजाना वो दलायल खैरात पर, मौलाना आप यहां जाते यार, हमारे साथी हमारे दालू में पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं, यहाँ आ जाइए, दलायल खैरात पढ़ता था डेली, और रो करके गुंबद खजरा की तरफ आका को याद करता था। उस जमाने में तो हवाई जहाज का सफर नहीं होता था, पोरबंदर से लोग स्टीमर से सफर करते थे, डेढ़ दो महीना लग जाता था। हज का मौसम करीब आया, स्टीमर लगी पोरबंदर, तीन दिन वहां रुकती थी, फिर सफर करते थे हाजी लोग। एक शख्स आया, कह यार इतने टाइम से देख रहा हूं, तेरी आरजू है, तमन्ना है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ख्वाहिश तो है लेकिन बजाहिर में कोई इंतजाम नहीं, कर इरादा तो है, जा नहीं सकता। उसने कहा चल, चल लिया। खुदा की कुदरत देखो, पोरबंदर के दरिया किनारे पर पहुंचा, चढ़ गया स्टीमर पे, सबका पासपोर्ट चेक किया गया, सबकी टिकट चेक की गई, सबका वीजा चेक किया गया, इसको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। जब कुछ दिन का सफर करने के बाद जब वहां पोर्ट पे पहुंचा, अब वहां कहां पोर्ट है मुझे मालूम नहीं, जिद्दा में है पोर्ट, अब्दुल रूप है जिद्दा में है पोर्ट, वहां जब स्टीमर रुकी तो हुकूमत के लोग उसे देख लेने के लिए आ गए, गाड़ियों की लाइन लगी थी, सब पैसेंजर उतर रहे थे, किसी की तरफ तवज्जो नहीं। दौलतमंद थे, बड़े बड़े अफसर थे, पैसे वाले थे, सेठिये थे, किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इंतजार था तो उस गरीब मजदूर का, इंतजार था आशिक के सादिक का, वो इंतजार था आशिक के रसूल का। इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, सबसे आखिर में गंदे कपड़े एक झोला, जैसे उसको देखा सब अदब से सावधान, अदब के साथ खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए,
कहा हजरत आप ही का इंतजार तो दूसरे को देख रहा है वो, हम आपको लेने के लिए आए हैं। जैसे कहा धड़ाधड़ आंखों से आंसू जारी कि मैं तो भूला बिसरा इंसान, मुझे तो अपने गांव में कोई इतना नहीं पहचानता और यहां मैं आ गया तो इस तरह इस्तकबाल बात किया है। मेरे आका जिसे चाहे जब चाहे बुला ले, मेरे आका की शान ही ऐसी। इसलिए मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउ दरजत मुजद्दीद दीनों मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला यूं फरमाते हैं, वो है मोती, ये है कासिम। मोती कहते हैं अता करने वाले को, कासिम कहते हैं बांटने वाले को। देखो आला हजरत का इश्क और किस तरह अपने गुलामों को इश्क का जाम पिलाते हैं। फरमाते हैं वो है मोती, मोती कहते हैं अता करने वाला, वो है मोती, ये है कासिम। कासिम कहते हैं बांटने वाला। अरे भाई हाजी अब्दुल रऊफ भाई, हमारे दोस्त हाजी इमरान भाई, अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह और देवे इन लोगों को। जिस तरह हाजी अब्दुल रऊफ भाई की काविश से आपके खतीब इमाम जा रहे हैं ना, वैसे हमारे अजीज हाजी इमरान भाई की भी काविशों से हमारी गौसिया मस्जिद के इमाम कारी जमील साहब भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ये इसी पहल, और ये बताता हूँ, पूरे आपकी दुआ से राजस्थान तक मैं जाता हूँ साल में कभी, पूरा काठियावाड़ तो घूमता हूँ, लेकिन ये जो माहौल हमारे भावनगर में अल्हम्दुलिल्लाह बना है, इमामों को तो इमाम, मोजिन तो मोजिन, आले रसूल तो आले रसूल, अरे कोई बेचारा गरीब मुसलमान होता है इसका भी इंतजाम मेरा आका फरमा देते हैं, वो भी पहुंच जाता है। बढ़िया इंतजाम हुआ है। अल्लाह जो लोग ये काम करते हैं अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनकी दौलतों में मालामाल उनको अता फरमाए और उनकी दुनिया आखिरत में उनको नेमल बदल अता। बहुत अच्छा काम है ये। मोना इमाम कैसे जा पाए भाई, मौलाना मौलवी सोचेगा एक डेढ़ लाख रुपया कहां से लाएगा। अल्लाह का करम हो जाए, मेरे आका का सदका मिल जाए तो सरकार आला हजरत फरमाते वो है मोती, अता करने वाला वो है, ये है कासिम, बांटने वाले ये है, देता वो है, दिलाते ये है। आप देखें जब वो पहुंचा बड़ा अफसर अदब के साथ के हुजूर आप इंतजार का, मैं भूला बिसरा इंसान, मेरे गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता और तुम, तो कहा हुजूर हकीकत ये है, हुजूर हकीकत ये है, मुझे याद है हमारे दादा उस्ताद मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमुद्दीन साहब मुरादाबादी अलैह रहमत व रिज़वान, एक वाकया इन्होंने अपना लिखा, मैंने जब ये पढ़ा तो भी नहीं आंख में आंसू आ गए। अब जब सफरे हज के लिए गए, बहुत बड़े आलिमुद्दीन वली कामिल, शायद कोई आलिमुद्दीन ऐसा नहीं होगा इस जमाने का जिनके दादा या परदादा उस्ताद ना हो। आपने तहरीर किया कि मैं गया सफरे हज के इरादे से, और जैसे मैं पहली बार मेरे आका के अजीम शान दरबार में हाजिर हुआ और मेरी नजर गुंबद खजरा पे पड़ी और सुनहरी जाली को देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने आका की बारगाह में नाते मुस्तफा के चंद अशार में नई कलम से लिखूं, नई कलम से लिखूं। इतना इरादा करके सरकार की बारगाह में अदब से सलाम किया और निकल गए। एक दुकान पे गए, खूबसूरत कलम, कीमती कलम, पूछा, बहुत महंगा कलम था, उसकी कीमत हजरत अदा नहीं कर सके। गुंबदे खजरा की तरफ देखा और हुजूर मुफ्ती नेमुद्दीन साहब बुरादाबादी की आंखों में आंसू आ गए और सरकार की बारगाह में अर्ज करते कि हुजूर
आपके अजीब शान दरबार में आपका खादिम आया है। दिल की एक ख्वाहिश हुजूर, हिंदुस्तान में तो आपकी नाते लिखता रहा पढ़ता रहा। हुजूर आपके दरबार में आया हूँ, आपके दरबार में आकर के आपकी बारगाह में कुछ लिख कर पेश करना चाहता हूँ। ख्वाहिश ये थी हुजूर कि नया कलम मिल जाए। इतना पैसा मेरे पास नहीं कि वो खूबसूरत कलम लेकर के मैं आपकी सना लिखूं। ये रोते हुए हजरत ने अर्ज किया सरकार की बारगाह में, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इतना अर्ज किया, मेरा आका तो सुनते हैं, पुकारे तो खई कोई दिल से पुकारे तो सही, मेरे आका तो सुनते हैं। इतना अर्ज किया, चले गए अपने कयामगाह पर। रात को वो दुकान का मालिक सोया, मेरे आका के दीदार से मुशर्रफ हो गया। मुझे मेरा दिल में मोहब्बत ना हंसी आई। ये हुजूर मुफ्ती नेमुद्दीन मुरादाबादी ने खुद ये वाकया लिखा है। सरकार की जियारत हुई, सरकार ने फरमाया कि मेरा खादिम मेरा गुलाम तेरे पास आया कलम खरीदने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे तो तू उसको तोहफा नहीं दे सकता था। इतना सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार चले गए। सुबह हुई, ढूंढता हुआ हुजूर मुफ्ती नेमुद्दीन मुरादाबाद साहब को पहुंचा हरमे फैबा में, तो देखा कि आका के सामने अदब अदब के साथ सलाम पेश कर रहे हैं। गया हाथ चुमा, कहा हुजूर इतने साल से मैं मदीनतुल मुनव्वरा में दुकान लगा करके बैठा था, कभी ये मौका न मिला कि आका का दीदार कर लूं। आपके सदके से आका ने करम फरमाया, अगर आप कलम खरीदने के लिए मेरे पास न आते तो अगर मैं इनकार न करता और मैं आपको कलम बेच देता तो शायद आका का दीदार न होता। हुजूर आप आए, मैंने कलम नहीं दिया, आका ने मुझे दीदार अता फरमाया, मेरी दुनिया आखिरत दोनों सवर गई। आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है, जिसे जब चाहे जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, आसमा को जहां मांगे वहीं अता कर दे। हजरत वो कुतियाना का मजदूर गाड़ी में बिठाया, सबके लिए जनरल गाड़ी, इसके लिए स्पेशल गाड़ी। इसने पूछा, भाई बात क्या है, क्यों मेरी इतनी खातिर तवाजो हो रही है? तो कहा हुजूर बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम शान दरबार है, मैं तो मजार नहीं कहूंगा दरबारी कहूंगा, मेरे आका का दरबार है, मजार थोड़ी है, काजी मुशान दरबार है, जिसके साये में सरकार आराम कर रहे हैं, गुंबद खजरा उसके बगल में खूबसूरत मीनारा है, मीनारा का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया है, किसी की हिम्मत नहीं होती ऊपर चढ़ के उस मीनारे को बनाए, उसमें नक्काशी करे। हम लोग शशो पंज में थे कि क्या करे कैसे करे। यहां के इमाम रात में सोए थे, उनको सरकार ख्वाब में आए, दीदार अता फरमाया और आका ने फरमाया कि मेरा एक गुलाम हिंद की सरजमी पर रहता है, कुतिया नामे है, वो आएगा और मेरे मीनारे को सही करेगा। देखिए है हम लोग अकेले, हम अकेले नहीं है, मेरा आका हर वक्त हमारे साथ, हम अकेले नहीं है। ये और बात है, हमारा नारा बदल गया, हमारा दावा बदल गया।
काश जिस तरह इश्क मुस्तफा की मोहब्बत का नारा लगा लेते हो उसी तरह से इश्क मुस्तफा को अपनी रगों में खून की गर्दिश की तरह दौड़ाते तो आज ये वक्त तुम्हारा ना हो हमारा ना हो। गया देखा देख के सुनहरी जाली के सामने अदब से खड़ा हो गया अर्ज करता सलातो व सलामो अलैका या रसूल अल्लाह आंख में आंसू आ गए हुजूर मेरी क्या हैसियत थी मैं कौन था हुजूर आपका करम हो गया मुझ पर कि आपने मेरी शान बढ़ा दी। हुजूर अगर आप मेरा यकीन कामिल है उसने कहा हुजूर मेरा यकीन कामिल है कि मैं जो महर्ज कर रहा हूं आप अपने अजीम दरबार में मेरी गुफ्तगू को समाज फरमा रहे हैं। हुजूर अगर मेरा आना यहां मुबारक हो तो हुजूर आपके कदमों में आपके गुलाम को मौत आ जाए। क्या ख्वाहिश की है चले जाओ आपके बुधल के कब्रिस्तान में मकोड़े नजर आएंगे कीड़े नजर आएंगे भावनगर के कब्रिस्तान में चले जाओ कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान कहीं भी चले जाओ जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में एक कीड़ा नजर नहीं आएगा हर वक्त खुशबू ही खुशबू इसलिए कि मेरे आका मेरे आका मेरे आका और वहां अगर किसी को मौत आ जाए है फिर कोई बात लेकिन भाई साहब ये उन लोगों की मौत की बात हो जो ईमान वाले हैं हाँ ये असल में कौम को गुमराह करते हैं। अरे हरम में काबा में नमाज पढ़ो 1,00,000 का इनाम 1,00,000 का 1,00,000 1,00,000 1,00,000 अबे कैसा 1,00,000 ये तो देख जिसकी इक्तिदा करता है उसका अकीदा सही है कि नहीं है अकीदा सही होगा तब एक नमाज पढ़ोगे 1,00,000 रकात का सवाब मिलेगा अकीदा सही नहीं तो नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। और ये कोई हवा में फायरिंग नहीं कर रहा हूं ठाके देखो आप जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को शहीद क्या बलवाइयों ने 3 दिन तक सरकार मौला अली से लेकर बड़े बड़े सहाबाए किराम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने नहीं गए क्यों कातिलाने उस्मान गनी का कब्जा था क्या वो हजरत उस्मान गनी की फजीलत नहीं जानते थे क्या वो मस्जिद नबी की फजीलत नहीं जानते थे सरकारे मौला अली से बड़ा कौन होगा मस्जिद नबी की फजीलत जानने वाला है कोई बड़ा जानते थे इसके बावजूद 3 दिन तक इन्होंने अपने घरों में नमाज याद रखिए आप ये बनाया जाता है 1,00,000 नमाज छोड़ करके अबे 1,00,000 का सवाब उस वक्त मिलेगा जब इमाम सही होगा। आप क्या समझते हो खाली आप ये करते हो कि पीछे इस इमाम के तो आपकी नमाज हो जाएगी इमाम भी नियत करता है अर्ज करता है परवरदिगार मेरे मुक्तदी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी मगफिरत फरमा दे उनके सदके मेरी भी मगफिरत फरमा दे। और ये तकरीर के जो प्रोग्राम होते हैं ना इसके फायदे क्या है वो भी आप सुन लीजिए। आज एक बहुत बड़ा ताजिर था दौलतमंद बहुत बड़ा ताजिर लेकिन गुनेगार था कभी नमाज नहीं पढ़ता ईद की नहीं जुमा की भी नहीं 5 वक्त की तो जाने दो जैसे है ना रमजान शरीफ में मस्जिद है माशाल्लाह फजर में भी है ना जोहर में भी असर में भी मगरिब में तो और ज्यादा ईशा हुई नहीं के प्रोग्राम कले हूँ मान भानू अपने काले हूँ कर अपने मुर्गी नी बिरयानी आज शू करवानू प्रोग्राम बनते थे ना माशाल्लाह बिल्कुल बनने चाहिए भाई बराबर। अब तो मौलाना वली मोहम्मद होंगे एक दो मुक्तदी बेचारे बूढ़े होंगे वो होंगे कितने होते फजर में 7-8 इतना बड़ा इतना बड़ा सोचो दावा इश्क मुस्तफा वाह यार इश्क मुस्तफा का दावा है फजर गायब इश्क मुस्तफा
जोहर गायब इश्के मुस्तफा, असर गायब इश्के मुस्तफा, मगरिब गायब इश्के मुस्तफा, इशा गायब इश्के मुस्तफा। बहुत बड़ा गुनेगार, उसका एक गुलाम था, उसने अपने गुलाम से कहा ये ले 4 दिरहम, बाजार में जा कुछ मीठा खरीद के ले आओ। उस जमाने में बहुत बड़े वली कामिल जिनका नाम था हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो वाज फरमा रहे थे, नसीहत कर रहे थे। उनके बगल में एक मजूब बैठे थे। आपने फरमाया जो इस बुजुर्ग इस मजूब की मदद करेगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा, 4 दुआएं। तो ये गुलाम था, उसके पास 4 दिरहम पड़े थे। उसने कहा यार सौदा घाटे का नहीं है, गुजराती घाटे का सौदा नहीं करता। देखो ना आप, समझ गया, आगे नहीं बोलूंगा। चोरवाड़ का था, पकोड़े बेचता था, कहा है आया था ना जामनगर, गुजराती घाटे का सौदा नहीं करता। उसने कहा यार सौदा सस्ता नहीं है, कीमती है। 4 दिरहम दे दिए। गया हजरत मंसूर की बारगाह में, कहा हुजूर मैंने मजूब की मदद कर दी, आपने फरमाया 4 दुआएं करूंगा। कहा मैंने कहा बोल। कहा हुजूर एक तो मेरा मालिक अल्लाह का नाफरमान बंदा है, वो मेरे रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले। कहा दूसरी दुआ। कहा हुजूर मैं गुलाम हूं, मुझे वो आजाद कर दे। कहा तीसरी दुआ। कहा हुजूर मैंने 4 दिरहम दिए हैं, मुझे वापस 4 दिरहम मिल जाए। है ना गुजरा, लेकिन वो गुलाम गुजराती नहीं था, गुजरात में दिरहम थोड़ी चलता है, मोहनदास करमचंद गांधी के टकले वाला रुपया चलता है। चौथी दुआ। का हुजूर आपकी, मेरी, मेरे मालिक की और पूरे मजमे की अल्लाह ताला मगफिरत फरमा दे। 4 दुआ। हजरत मंसूर अल्लाह के वली थे, हाथ उठा दिया, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह जाने, रसूल जाने, हजरत मंसूर जाने। बहुत देर के बाद जब गया, मालिक ने कहा इतनी देर तूने लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूं, क्यों इतनी देर लगाई, मिठाई लाया? सर झुका लिया। कभी मिठाई लाया? सर झुका लिया। कहा मिठाई लाया? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मालिक जब गया रास्ते से, हजरत मंसूर की तकरीर शुरू थी, थोड़ी देर में वाज़ और नसीहत की महफिल में बैठ गया। कहा क्या पाया? कहा आपने फरमाया उनके बगल में एक मजूब बैठे थे, आपने फरमाया जो मजूब की मदद करेगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा। तूने मदद की? कहा आपने जो मिठाई के लिए 4 दिरहम दिए थे ना, वो मजूब को दे दिए मैंने। क्या 4 दुआ क्या करवाई? कहा देखो सुनो, अपने मालिक से कहा तुम अल्लाह के नाफरमान बंदे हो, अल्लाह की बारगाह में झुकते नहीं हो, तो पहली दुआ मैंने ये करवाई कि मेरा मालिक मेरे रब का फरमा बरदार हो जाए बंदा, और वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। तौबा बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बला, बुराइयों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है कि उसने कभी गुनाह नहीं किया। का चल मैं सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। एक दुआ कबूल हो गई। देखो सुन्नी लोग, अजमेर शरीफ जाते हैं नहीं जाते?
खड़खड़ी जाते हैं ना, मम्मा शाह बाबू जाते हैं ना, इसीलिए जाते हैं। अपने में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो पावरफुल है, मांग लेंगे कुछ, हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरा गुलाम मेरी बारगाह में आया दुआ करता है, तो कबूल कर ले, तो अल्लाह कबूल कर ले तो अपना बेड़ा पार। तो एक दुआ कबूल हो गई, का दूसरी दुआ का मैंने कहा हुजूर चार दिन मेरे मालिक ने दिए थे मुझे, चार दिन वापस मिल जाए। का तूने चार दिन वापस मांगे थे? का मांगे थे। का मिले? का अभी तक नहीं। का ले चार नहीं 400 दिरहम तू ले ले। तीसरी दुआ, तीसरी दुआ देखिए आप, ये अल्लाह के वली होते हैं ना, ये वाज और नसीहत की महफिलों में जाने से फायदा ही है कि आप जाओगे तो कुछ फायदा मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? फायदा मिलता है ना, फायदा। तो उलमा है कि जब आप जुम्मा का दिन आए तब जल्दी जाया करो मस्जिद में। बहुत से लोग तो जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए खड़े होंगे तब आएंगे, सबसे आखिर में और सबकी गर्दनें फलांग करके पहली सब में बैठने की कोशिश करेंगे, ये गुनाह का काम है। उलमा इकराम बैठे, पूछो आप इनसे, सबसे पहले जाना चाहिए, इमाम की बातें सुननी चाहिए, कुछ इल्म हिकमत हासिल होती है हमें, नहीं होती है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज क्या थी? एक तो मालिक तौबा कर ले, चार दिरहम मिल जाए, तीसरी दुआ अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमा दे, चौथा मैंने क्या बोला था? वाह यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, यकीन डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे खुशी हुई कि आप इस वक्त भी मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। का तीसरी दुआ, का हुजूर मैंने ये कहा था कि मुझे मेरा मालिक आजाद कर दे, का चल मैंने तुझे आजाद कर दिया। का चौथी दुआ, का हजरत मंसूर से मैंने अर्ज किया कि हुजूर चौथी दुआ ये कि अल्लाह ताला मेरी मगफिरत फरमा दे, आपकी मगफिरत फरमा दे, ये मस्जिद की मगफिरत फरमा दे, पूरे मजमे की मगफिरत फरमा दे, और मेरे मालिक की भी मगफिरत फरमा दे। का भाई वो तो रब के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं, वो रब के दस्ते कुदरत में है, मेरे हाथ में नहीं। इतना मालिक का बोलना, रब की तरफ से इल्हाम हुआ, इरशाद आया कि मेरा बंदा मेरी तरफ तवज्जो करता है, मैं अपने बंदे को मायूस नहीं करता, गवाह हो जाओ मैंने हजरत मंसूर की बख्शीश कर दी, मजूब की बख्शीश कर दी, तेरी बख्शीश कर दी, तेरे गुलाम की बख्शीश कर दी, और पूरे मजमे की बख्शीश कर दी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करके फायदा भी ये होता है। वहां जाके क्या करते हैं लोग? खाने काबा में जाकर, अरे कुछ लोग तो गेम खेलते हैं खाना है काबा के सामने, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, देखा होगा। और कुछ लोगों का वीडियो है, वहां वीडियो बनाने का टाइम है कि अल्लाह को मनाने का, वहां तुम क्या करने जाते हो? अपने रब की रहमत के लूटने के लिए इसी मुकद्दस जगह पर, इतनी बड़ी मुकद्दस जगह जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका अलैहिस्सलाम तक कितने अंबिया किराम ने सजदे किए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सजदे किए, ऐसी जगह पर तुम सेल्फी लेते हो, वीडियो बनाते हो, क्या मकसद है इसका? इससे बचना चाहिए, अपने वक्त को बर्बाद करने के बजाय अपने रब को राजी करने वाला काम करना चाहिए। और रब राजी उस वक्त होता है जब उसकी बारगाह में बंदा झुकता है। और मैं आपको बताता हूं कि जब बंदा एहराम की हालत में होता है और रब की बारगाह में जाता है तो मेरा यकीन कामिल कह रहा है, मेरा यकीन कामिल कह रहा है, जब बंदा जाता है अपने रब की बारगाह में झुकता है, रब्बे कदीर अपने फरिश्तों से फरमाता है, हे मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखो मैंने अपने बंदे को खूबसूरत बीवी दी छोड़ करके आया, औलाद दी छोड़ करके आया, दौलत दी छोड़ करके आया, बंगला दिया छोड़ करके आया, ऑफिस दी छोड़ करके आया, ये बंदा मेरे लिए आया है और मैं उसका करीब रब हूं, फरिश्तों गवाह हो जाओ आज मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। वो अजीम बारगाह है मेरे रब की, इसलिए वहां गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। एहराम में क्या होता है? एक चादर
ये मुंडा खुला रहता है, इसके ऊपर चादर होती है, तेवंद होती है, पट्टा बंधा हुआ रहता है। क्या तसव्वुर है ये? रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, रब की रहमतें तुम्हें पुकार पुकार के कहती है, हे कोई मेरी बख्शिश चाहने वाला, मैं उसको बख्श दूंगा, जो बे औलाद है उसको औलाद दे दूंगा, जो रोजी के लिए परेशान है उसके लिए रोजी के दरवाजे को कुशादा कर। और याद रखो, जब कोई हाजी या कोई उमरा करने के लिए जाता है, जरा पूछो हाजी से, हाजी साहब आपने खाना काबा का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सह कर ली, मैना में हाजरी दे ली, मुजदलफा में गए, अरफात के मैदान में गए, गारे हिरा को देखा, गारे सौर को देखा, जन्नतुल मौला को देखा, जन्नतुल बकी को देखा, बदर का मैदान देखा, ओहद का पहाड़ देखा, सब कुछ देखा, क्या अभी भी कुछ कमी का एहसास होता है? तो कहता है हाँ, अभी भी मुझे कुछ कमी का एहसास होता है, वो चाशनी, वो हलावत मैं नहीं पा रहा हूँ। तो सरकार आला हजरत की बारका में जब ये कार्ज किया गया कि हुजूर मैंने तमाम तर अरकान को अदा कर लिए, खाने काबा का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सह कर ली, अरफात में हाजिरी दे ली, मैना में गया, मुजदलफा में गया, गारे हिरा को देखा, गारे सौर को देखा, बदर का मैदान देखा, ओहद का पहाड़ देखा, हजरत हमजा का मजार देखा और सहाबा के तबरुकात देखे, लेकिन हलावत नहीं पाता हूं। तो आला हजरत फरमाते हैं, अबे नादान, अभी तो तूने काबा को देखा, जब तक काबे का काबा नहीं देखेगा, मिठास अपने अंदर तू नहीं पाएगा। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत, जब तक मेरे आका की मर्जी शामिल नहीं होगी, जब तक मेरे आका की मर्जी शामिल नहीं होगी, जब तक मेरे आका की मर्जी शामिल नहीं होगी, तब तक तुम्हारी कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ये मेरे आका का सदका है, करम है। देखो सहाबाए किराम ने, और यही मक्का की सरजमीन है, यही मक्का की सरजमीन है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रब को। इख्तियार मुस्तफा की एक मिसाल दे दूं आपको, एक मिसाल। हजरत उस्मान बिन तलहा सहाबी रसूल हो गए फतेह मक्का के बाद, पहले नहीं थे, काबे के कलीद बरदार यानी कि चाबी उनके पास रहती थी। सरकार गए, उस्मान चाबी दे दो, कहा नहीं दूंगा चाबी, हर किसी को दूंगा, है मोहम्मद तुमको चाबी नहीं दूंगा। किससे कहा था? शहंशाह कोनो मकान से। किसने कहा था? उस्मान बिन तलहा ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उस्मान आज तुम नहीं देते हो ना, मत दो, कल ये चाबी मैं तुमसे ले लूंगा और वापस तुमको मैं दे दूंगा। यही मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। जब अल्लाह का हुक्म है महबूब मक्का से हिजरत करो, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर रहे थे, सोराका बहुत बड़ा जंगजू था, 100 ऊंट सोने से लदे हुए इनाम ये दिए जाएंगे अगर कोई मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पना लिए? गारे सौर में। गारे सौर कहां है? मक्का में। गारे हिरा भी ऊपर गए, कितनी कितनी सीढ़ियां होंगी अंदाजा? 3,000-4,000 अब्दुल रुबै, 3,000-4,000 होगी सीढ़ियां। गारे सौर 3,000-4,000 सीढ़ियां पहाड़ी पर है। आज तो फैसिलिटी हो गई होगी कुछ, उस जमाने में तो मैं आपको दिखाऊं कि सहाबा ने किस तरह मोहब्बत की और हम किस तरह मोहब्बत का दावा करके फेल हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला सरकार के साथ हैं, अर्ज करते हुजूर पथरीले पत्थर हैं, आपको चलने नहीं दूंगा, हुजूर मेरे कंधे पे सवार हो जाए।
मेरे आका का कंधा, मेरे आका का कदम जनाबे सिद्दीक अकबर के कंधों पर, उस कंधों पे चिश्ती का सब कुछ कुर्बान। गए गारे शौर में बैठ गए, तलाश करते करते पुलिस वाले आ गए मक्का के, कुफारो मुश्रिकी। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला सरकार की बारगाह में करते, हुजूर बहुत मुसीबत की घड़ी आ गई, बहुत मुसीबत की घड़ी आ गई। सरकार ने फरमाया क्या हुआ सिद्दीक का? हुजूर अगर इन्होंने अपने जूतों को देख लिया झुक करके तो हमें देख लेंगे। तब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहजन इन्नल्लाह मअना। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से निकले हुए अजीम कलमे हैं। मेरे रब को अपने महबूब के वो कलमे इतने पसंद आए कि रब कदीर ने कुरान की आयत करीमा में तब्दील फरमा दिया इज़ यकूलु लिसहबिही ला तहजन इन्नल्लाह मअना। क्या मतलब? जब जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने कहा हुजूर बहुत मुसीबत की घड़ी आ गई है, सरकार ने फरमाया ला तहजन, घबरा क्यों रहे हो? इज़ यकूलु लिसहबिही, सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबी। वहां सहाबी कौन था? कौन था बोलिए, कौन था? जनाब सिद्दीक, अभी हमारे कारी मंजूर साहब ने जनाब सिद्दीक अकबर का सुना है ना आपको, सब कुछ लुटा के आ गए सरकार की बारगाह में। सरकार ने पूछा क्या छोड़ा? तो आप और अल्लाह का नाम छोड़ के आया हूं, यही सिद्दीक अकबर की शान है। सरकार ने फरमाया क्यों गम कर रहे हो? ला तहजन, क्यों गम कर रहे हो? तुम समझते हम दो हैं? ए मेरे सिद्दीक, हम दो नहीं है, इन्नल्लाह माना तीसरा है, वो अल्लाह है हमारी हिफाजत करने वाला। और वहां से चले गए सरकार को देख न सके, और वही सरकार जब गारे सोर से निकले हैं यही सुराका मिला है। सरकार ने देखा कि यार आ मेरे ताकुब में, सरकार ने फरमाया उतलकी यार दी, पकड़ घोड़े के कदम को पकड़ लिया सभी ने। अर्ज करने लगा हुजूर छोड़ दीजिए, सरकार ने फरमाया छोड़ दे, फिर आया, फिर सरकार फिर पकड़ लिया, फिर कहा, फिर छोड़ दिया, फिर आया कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, माफी का परवाना लिख दीजिए, माफी का परवाना लिख दीजिए हुजूर। सरकार ने फरमाया सुरा का सुन, सो ऊंट सुर्ख, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता है, अरब में ऊंट को बोलते हैं रण का वहां, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता है, महंगा होता है और ऊंट के मुकाबले में, और वही इनाम रखा था, वो भी 100 ऊंट सोने से लबालब लबे हुए। तो सरकार ने फरमाया हाथ पकड़ा सुराका, मैं तेरे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। कौन सा कैसर और किसरा? आज का जो इराक और ईरान है उस जमाने का कैसर और किसरा था, और आज जमाने में जो अमेरिका की सुपर पावर की ताकत है ना, उस जमाने में इराक और ईरान की ताकत थी कैसर और किसरा की। और यही हुआ, सरकार तो पर्दा कर गए। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का जमाना आया, सुराका की तबीयत खराब हुई तो साहबा गए का सुराका, आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, ये मोहब्बत वाली बात है, गौर से सुन लीजिएगा, शायद फिर कभी मौका मिले ना मिले। का सुराका तुमने कुछ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस करीमा सुनी है, हमें बता दो। तो कहा सुराका ने इतनी मायूसी की बात क्यों करते हो जी? कसूरा का तुम्हारी आवाज तुम्हारे दिल की धड़कन का साथ नहीं दे रही है, सुरा का तुम्हारे जिस्म की कमजोरी तुम्हारे हवा तुम्हारी सांसों का साथ नहीं दे रहे हैं, सुरा का तुम्हारा जाने का वक्त करीब आ गया का नहीं? मलिकुल मौत मेरी दहलीज पर कदम नहीं रख सकते, इतना पावर रसूल मलाइका में नाम आता है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का, बड़े फरिश्तों में नाम है, उनके बारे में यह जुमला कहां? क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुझे कैसरा के कंगन पहनाए थे, जब तक सुराखा उस कंगन को नहीं पहनेगा उस वक्त मौत मेरे घर की दहलीज को कदम नहीं देगी। और यही हुआ हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के जमाने में, यही हुआ। और इससे पहले जब फतेह मक्का हुआ, पूरा मक्का सरेंडर सरकार की बारगाह में, सरकार गए उस्मान बिन तलहा के पास, का उस्मान चाबी लाओ, दे दी। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान कहा था ना मैंने, आज तुम चाबी का इनकार कर रहे हो, कल इसी जगह पर मैं तुमसे चाबी ले लूंगा। सरकार ने चाबी ले ली, खाने काबा के ताले को तोड़ा, जितने बुत थे सबको तोड़ा, एक बुत लात उसी के नाम की ओ हुबल, जो खाने काबा की छत को सबसे बड़ा बुत वही था हुबल, ओलो हुबल, अबू जहल यही नारा लगा था ओलो हुबल, हुबल की जय हो। सरकार मौला अली को हुक्म दिया तोड़ा, खैर उस बेस पे नहीं जाना चाहता मैं, खोला, सरकार ने खाने काबा को पाक साफ किया, सरकार ने नमाज अदा की। और जब हजरत उमर के जमाने में कैसर किसरा फतेह हुआ, अमीरुल उम्मत हजरत उबैदुल्लाह इब्ने जर्रा और हजरत खालिद ने वलीद की कयादत में गालिबन कासिया फतेह हो चुका था, तारीख की किताबें यही बताती हैं। और जब माल गनीमत आया तो हजरत उमर ने कहा, कंगन तलाश करो। कहा हुजूर कंगन नहीं मिले। का तलाश करो कंगन। का कंगन नहीं मिले। हजरत उमर ने फरमाया, कसम खुदा की जब तक कंगन नहीं मिलेंगे उमर यहां से उठेगा नहीं। और यही हुआ, एक आवाज गूंजी, हुजूर कंगन मिल गए, कंगन मिल गए हुजूर। हजरत उमर ने कहा, कंगन लेकर के आओ, बुलाओ सुराका को। सुराका बूढ़े हो चुके थे, पैरों में कमजोरी थी, लाठी के टेके से लगाते धीरे धीरे आए। हजरत उमर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम दरबार के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करते, हुजूर आपका गुलाम उमर आपकी बारगाह में हाजिर है। हुजूर आपके गुलाम उमर की कोई हैसियत नहीं थी। मक्का में उमर गुमशुदा ऊंटों को तलाश करता था, एक पहलवान की हैसियत थी। हुजूर आपका गुलाम उमर आपकी गुलामी में आया। हुजूर आपके कदमों से वाबस्ता हुआ। हुजूर आज आपके सदके से इस्लाम को अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। हुजूर सुराका अपने हाथ को बढ़ाओ, सुराका आगे आए, सुराका आगे आओ, सुराका आगे आएगा, हाथ को ऊंचा करो। हजरत सुराका ने हाथ को ऊंचा किया, हजरत उमर ने वो कंगन को पहना दिया और फरमाते, सुराका हिजरत के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हाथ में कैसरा का कंगन पहनाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का इख्तियार था, इख्तियार नबुव्वत, इख्तियार रिसालत, यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबों को वो अजीम दर का दीदार करा दे, वो घर दिखा दे, सबको दिखा दे, सबको दिखा दे।